अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मौत का केस जब से सीबीआई के हाथों में सौंपा गया है, तब से रोज कई नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के मौत की वजह को लेकर सीबीआई हर एंगल से जांच कर रही है। इस बीच इस मामले को लेकर एक और बड़ा खुलासा सामने आ रहा है कि सुशांत की कथित गर्लफ्रेंड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती उनको ड्रग्स देती थी। यह खुलासा रिया के व्हाट्सएप चैट के माध्यम से हुआ है। इस चैट में रिया किसी गौरव से एक प्रतिबंधित ड्रग्स की चर्चा कर रही हैं। इसके अलावा रिया का उनकी टैलेंट मैनेजर जय साहा से ड्रग्स को लेकर की गई बातचीत का मैसेज भी सामने आया है। वहीं इस खुलासे के बाद अब इस केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एंट्री हो गई है। अभी तक इस मामले में सीबीआई और ईडी ही जांच कर रही है, लेकिन अब नारकोटिक्स विभाग ने भी जांच तेज कर दी है। इस खुलासे के बाद प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जया साहा को भी नोटिस दिया गया है और पूछताछ के लिए बुलाया गया है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जल्द ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रिया से पूछताछ कर सकती है। सुशांत मामले में ड्रग्स एंगल सामने आने पर राजनीतिक दल भी सक्रिय हो गई है और कई नेताओं ने अब तक अपनी प्रतिक्रिया भी दे दी है। इसी बीच भाजपा नेता राम कदम ने ड्रग्स मामले को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी है। बीजेपी नेता की ओर से बॉलीवुड में ड्रग्स की एंट्री की जांच की मांग की गई है। बीजेपी नेता राम कदम ने सवाल करते हुए कहा कि आखिरकार इस मामले में कौन बॉलीवुड स्टार्स शामिल हैं? क्या महाराष्ट्र सरकार किसी नेता को बचाने की कोशिश कर रही है? बॉलीवुड और मुंबई में ड्रग्स को सप्लाई किया जा रहा है, अगर ऐसा है तो राज्य सरकार को इनकी जानकारी क्यों नहीं है? या फिर सरकार जानबूझकर ये सब सामने नहीं आने देना चाहती? उन्होंने आगे पूछा कि क्या सरकार किसी को छुपाने के लिए ही इस केस को केंद्रीय एजेंसी के पास ट्रांसफर नहीं करना चाहती थी? वहीं बीजेपी वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा कि 9 जुलाई को ही मैंने कहा था कि सुशांत की हत्या हुई है, ऐसे में सीबीआई के द्वारा इसकी जांच होनी चाहिए क्योंकि मुंबई पुलिस सही काम नहीं कर रही है। फिलहाल सुशांत राजपूत केस में पूछताछ जारी है। मुंबई के डीआरडीओ गेस्ट हाउस में नीरज पहुंचे हैं। यहां पर सुशांत की बिल्डिंग का वॉचमैन पहले से ही मौजूद है। बताया जा रहा है कि आज शाम को सीबीआई की टीम दोनों से क्रॉस सवाल जवाब कर सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।